नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। शारदीय नवरात्रि शुरू, देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दिल्ली में 5,600 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड रह चुका है कांग्रेस आरटीआई सेल का चेयरमैन। दिल्ली के जैतपुर में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, दो हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली में सरकारी बंगला खाली कर आप सांसद हरभजन सिंह के साथ रहने पहुंचे मनीष सिसोदिया। ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रिटायर्ड प्रोफेसर ने लगाया था बेटियों को जबरन केंद्र में रखने का आरोप। तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुबह होगी सुनवाई। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए को गोली मारने के आदेश के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चलती बस में लगी भीषण आग। यूपी के बरेली की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 की मौत, कई घायल। झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, अशोक तंवर की कांग्रेस में घर वापसी। एक्टर नागार्जुन ने मंत्री कोंडा सुरेखा पर मानहानि का केस किया, बेटे के तलाक पर की थी टिप्पणी। लेबनान के बेरूत में हुए इजरायल मिसाइल अटैक में अब तक 9 की मौत, 14 जख्मी। ताइवान से 2 चीनी नागरिक डिपोर्ट, हांगकांग से जुड़े कार्यक्रम में डाल रहे थे बाधा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है, सिर्फ खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।